सो अभी घुसते हैं इस फ्लेमरी बूट्स में और पूरा का पूरा रश मारेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे भाई कौन कौन से, मतलब यार फायर टाइप भी दिख रहा है जिस हिसाब से भाई यहाँ पे पूरे के पूरे जो पौधे हैं, जो पेड़ है, छोटे छोटे बुशेस है, वो भी साला ग्रीन करके रेड ऑरेंज करके रखे हैं। तो यार मतलब यहाँ पे फायर टाइप मिलना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम वाटरफॉल यूज़ कर रहे हैं और ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है डस्कलॉप्स के खिलाफ। और अभी क्या करना है, मॉनफेनो आ रहा है भाई यहाँ पे, मॉनफेनो भी दिखने वाला है हम लोग को। तो चिमचार मॉनफेनो जैसे पोकेमोन अगर मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली कैचअप करने के लिए क्या बुरा ही, लेकिन यार डोगो को बुरा लग जाएगा। तो डोगो को इतने अच्छा मतलब संभाला है भाई, डोगो को 50 लेवल पे लेके आए हम लोग डोगो को, तो यार डोगो को नहीं छोड़ेंगे अभी। और यहाँ पे मिलेगा आपको फायर स्टोन, तो अगर आप पोकेमोन इवॉल्व करना चाहते हो कोई भी फायर टाइप, जैसे कि मैंने गलती की थी लास्ट टाइम पे, मैंने क्लाउलेथ को इवॉल्व ही करना चाहता डोगो में, मतलब यार आरके 9 में, जो मैंने नहीं किया, तो उसके वजह से क्या होता कि अगर मैं उसको आरके 9 में इवॉल्व कर लेता तो भाई यहाँ पे अलग से पोकेमोन मिल रहा है जिसका नाम है लार्वेस्टा। और लार्वेस्टा पोकेमोन अगर आप उसको नहीं चाहते तो ये सूडो लेजेंडरी पोकेमोन हो जाता है वोल्केयर्नो, और उसका ये प्री इवॉल्व फॉर्म है लार्वेस्टा जो है ब्लक प्लस फायर टाइप पोकेमोन। तो सूडो लेजेंडरी हम लोग को मिल चुका है, यस उसको सूडो लेजेंडरी बोलते हैं वैसे, क्योंकि यार ये बहुत ही मिनिमम मिलते हैं। जैसे पहले वेस्पी क्वीन को भी सूडो लेजेंडरी में पकड़ा गया था, अगर आपको पता नहीं है जब सीनोलिक चालू हुआ था उससे पहले जापान में जब वेस्पी क्वीन को बनाया गया था तभी उन लोग ने बोला था कि जापानीज वर्जन में गेम के उन्होंने बताया कि ये लेजेंडरी सूडो लेजेंडरी है, लेकिन वैसी बात नहीं थी। और उसके बाद उसको वहाँ से उस लिस्ट से निकाला गया क्योंकि भाई कॉम्बी तो कचरे जैसे मिलते और वेस्पी क्वीन तो कचरे जैसे इवॉल्व हो जाएंगे, लेकिन यार वेस्पी क्वीन इसके लिए सूडो लेजेंडरी था उनके लिए कॉम्बी फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि यार वहाँ पे खाली क्वीन एक ही होती है ऐसे माना जाता है। तो वही चीज़ होगी, लेकिन बाद में उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया और उसके वजह से अभी वेस्पी क्वीन जो है वो सूडो लेजेंडरी डिश में नहीं आती। और लार्वेस्टा के बारे में मैंने थोड़े से रूमर सुने थे कि भाई ये भी सूडो लेजेंडरीज में आता है। और अभी हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे मैं रिवाइव करने आया था खुद के पोकेमोन को, भाई बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ने एक पोकेमोन को बाहर भी निकाला क्योंकि लार्वेस्टा को भी लेना है हम लोग को अपने टीम में, लेकिन टीम में नहीं रखेंगे उसको, पीसी के अंदर रख के आएंगे। लेकिन यार अभी नहीं रखेंगे, सीधा जाएंगे हम लोग फ्लेम्स क्या उसका नाम है फ्लेमरी सिटी की तरफ, और वहाँ पे जाके हम लोग पीसी के अंदर उसको रख देंगे। आपको आपका नाइन टेल्स और वल्पिक जैसे पोकेमोन मिल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे आपको डेफिनेटली ग्राउलेज जैसे पोकेमोन भी मिलने वाले, मतलब आर्केनन तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें तो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा बार घूमना पड़ेगा, जैसे कि यार मुझे किधर घूमना पड़ा, रॉक क्लेवर सिटी के बाद मतलब जो माउंट लोरान है वहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा घूमना पड़ेगा तभी जाके हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माचोक और माचोक मिलेंगे। माचोक और माचोक डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर है। टॉर्कोल इजी से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि टॉर्कोल हर एक गेम में रूबी से लेके या डायमंड में भी, डायमंड में नहीं सॉरी, रूबी सैफायर एमरलेड और यहाँ पे यार कौन से भी हैक गेम में टॉर्कोल को ऐसे ही मतलब फ्रीली रखा गया है कि भाई कितना भी छोटा सा भी घूम लो आपको टॉर्कोल मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे है चारकोल, टॉर्कोल से याद आया चारकोल, तो चारकोल मिल गया हम लोग को। इसी फायर टाइप पोकेमोन को अगर आप चारकोल दे देते हो तो उसके फ्लेयर टाइप अटैक जो है वो बढ़ जाते हैं, अच्छे खासे इंक्रीमेंट आ जाता है उन पे। स्कूरोपी आ चुका है भाई, ड्रेपियन कर ले, बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट हो जाएगा हमारे दोनों के बीच में क्योंकि यार तेरे लेवल अच्छे खासे हो सकते हैं। यहाँ पे आ चुका है वर्मीपेड और वर्मीपेड का जो इवॉल्व फॉर्म है बहुत ही अच्छा है स्कूलीपेड, लेकिन स्कूलीपेड का एक ही चीज़ हो जाता है भाई कि यार उसको मतलब यार बक टाइप है तो फ्लेम थ्रो मारेंगे तो आराम से डिफीट हो ही जाएगा वो, अन्य बक टाइप पोकेमोन ट्रेनर को हम लोग ने हरा दिया। चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे ये बंदी खाली फायर पोकेमोन के बारे में बात करी कि बहुत ही अच्छे रहते हैं। सुपर पोशन मिल गया हम लोग के हीलिंग काउंटर्स में, एक और आइटम ऐडअप हो गया सुपर पोशन नाम का, और पहले भी था लेकिन यार सुपर पोशन नहीं था तो अभी ऐडअप हो गया। वल्पिक्स मिल रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरे में, नाइनटेस भी मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा कचरे में। टॉर्कोल आपको मिल सकता है किसी भी, जहाँ पे हम लोगों ने लावा सर्फ यूज़ किया था वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्कोल्स मिल सकते हैं अगर आप ट्राई करोगे वहाँ पे तो। और यहाँ पे ड्रैगनर्स के लेवल में सोच रहा भाई बड़ा ले यार कितना टाइम लगेगा, और जैसे जैसे पोकेमोन के लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद उसकी एक्सपी भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, मतलब चाहत ज़्यादा बढ़ने लगती है एक्सपी की, तो यार उस पर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अनदर टाइम पर्ल आ चुकी है, तो पर्ल के साथ लेजेंडरी बैटल होने वाले फिर से एक बार, जो हम लोग ने स्टार्ट में की थी माउंट मतलब लोरान रीजन में जब घुसे थे उसके बाद बैटल की थी उस बंदी से, और यहाँ पे हम लोग सीधा अभी बैटल कर रहे हैं इस बंदी से। तो यार बुनेरी है उसके पास 64 लेवल का, बुनेरी क्या करेगी भाई, लुपिनी बना दे उसको, बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगा वो तुझे। और यहाँ पे बिनासोर जो आईवीसोर बिनासोर में इवॉल्व हो गया शायद से उसका, और अभी क्या आर्केनन इजीली डिफीट कर पाएगा इसको शायद से, डोगो आराम से मार पाएगा, लेकिन यार हाफ ऑफ द एनर्जी जा चुकी है, हाफ ऑफ से भी ज़्यादा जा चुकी है अभी रहने का फ्लेम थ्रोर, और बिनासोर चला गया है। डोगो के लेवल थोड़े थोड़े इंक्रीज होने लग गए, और सेप्टाइल तो फिर से एक बार हम लोग डोगो को यूज़ करेंगे फ्लेम थ्रो मारेंगे। और पोल के पास
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिख रही है मुझे वो है ग्रास टाइप पोकेमोन की। तो यार जो हम लोग पहले गलती करके चल रहे थे वो भी पर्ल कर रही है, और मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे ही अल्टरनेट यूनिवर्स का फंक्शन चल रहा है इस गेम में। तो थैंक्स फॉर द बैटल, आई वुड लाइक टू भाई पढ़ने तो दो यार। लोरान रीजन में हम लोग बैटल कर रहे थे और यहाँ पे फ्लेमरी सिटी की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं और फ्लेमरी जिम लीडर भी है यहाँ पे। तो यार उसका जो पोकेमोन पेरे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो प्रेफरेबल पोकेमोन जो टाइप है उसका डेफिनेटली रहेगा फायर टाइप। तो यार चेक करेंगे हम लोग का माइलो डेफिनेटली फटाफट से एकदम इंक्रीज़ हो जाएगा, और जैसे ही वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो यार ड्रैगनेयर को भी थोड़ा सा पंपटअप करेंगे। हाउंडोर आ रहा है यहाँ पे, तो कौन कौन से पोकेमोन मिल रहे थे, ग्राउलिथ हाउंडोर जैसे पोकेमोन आपको मिलने वाले हैं। फ्लेमरी सिटी के अंदर हम लोग घुस चुके हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फ्लेमरी सिटी को। तब तक के लिए बने रहेगा इस सीरीज में। अगर आपने बाकी के एपिसोड अभी तक नहीं चेक किए तो डेफिनेटली बाकी के एपिसोड चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमेशा की तरह मैं एपिसोड की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के रखता हूँ। अगर आपको ये गेम खेलना है तो उसका डाउनलोड लिंक भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हो, अगर वहाँ पे आपको अलग टाइप का गेमिंग कंटेंट मिलता रहेगा। और दूसरा मेरा चैनल है एनिमी वॉर 360, अगर आपको पोकेमोन रिलेटेड कंटेंट या फिर देखा जाए तो एनिमी रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो वहाँ पे भी एनिमी रिलेटेड कंटेंट आता है, और उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको पोकेमोन चैट्स मिलेंगे। वहाँ पे जाके हम लोग डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पोकेमोन चैट्स करेंगे भाई, बात करने हैं, पोकेमोन वाले शेयर करना है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा अलग टाइप का गेमिंग कंटेंट। पोकेमोन कंटेंट जरूर रहेगा लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग गेमिंग कंटेंट भी डालते रहूँगा, कि भाई हर बार पोकेमोन कंटेंट नहीं डाल सकता मैं। लेकिन जो सेकंड सीरीज को जो स्लॉट है वहाँ पे आपको हमेशा पोकेमोन का गेम्स मतलब दिखेंगी, कौन से ना कौन से हैक गेम मिलेंगे या फिर ओरिजिनल पोकेमोन गेम्स भी दिख सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायनारा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो डेफिनेटली गाइस सपोर्ट कीजिएगा, अभी जितना भी बोला इंस्टाग्राम बाकी की चीज़ें वहाँ पे जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो आप।